देखते हैं भविष्य क्या लिखा गया है। स्वामी विवेकानंद और राजा अजीत सिंह, हम खेतरी का शब्द पढ़े या उच्चारण करें या सुने, ये दो व्यक्तित्व हमारे मानस पटल पर उभर आते हैं। एक तरफ जहाँ राजा अजीत सिंह स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे, वहीं स्वामी विवेकानंद स्वयं कहा करते थे कि अजीत सिंह और मैं दो शरीर हैं, परंतु हम दोनों शरीर एक आत्मा देते हैं और हमारा जन्म मानवता के कल्याण के लिए हुआ है। स्वामी जी स्वयं इस बात को कहा करते थे। तो ऐसे राजा अजीत सिंह के बारे में हमें कुछ विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री भंवर लाल जी शास्त्री को। श्री भंवर लाल जी शास्त्री इसी जन्मसूत्र से, इसी नगर से जुड़े हुए हैं। वे विख्यात शिक्षाविद हैं, दिल्ली में संस्कृत कॉलेज में प्रवक्ता हैं और उनका एक और विशेष परिचय है, वे बहुत ही सुप्रसिद्ध वास्तुविद एवं ज्योतिषाचार्य भी हैं। इसके अलावा वे विदेशों में बहुत संबोधन दे चुके हैं। राजा अजीत सिंह के बारे में उनकी विशेष जानकारियाँ सुनने के लिए हम सभी आग्रह। यहाँ पर विराजमान सभी संतों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मंच में विराजमान परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। मेरे मित्र कालीचरण जी, माता और बहनों, मेरे परम पूज्य गुरुजन भी यहाँ विराजमान है और भक्तगण, माता बहनों, आप सबको मैं नमन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरी इस जन्मभूमि पर ये मेरा परम सौभाग्य है कि देवी शक्ति से परिपूर्ण इतने सारे संत मेरी जन्मभूमि को कृतार्थ करने के लिए, हम सबको कृतार्थ करने के लिए यहाँ पर पदार्पण किया। मैं भूली भूली उनको प्रणाम करता हूँ। मेरा जो विषय है कि राजा अजीत सिंह जी के विषय में जो उनकी कीर्ति का बखान, सर्वप्रथम हम लोग खेतरी के निवासी हैं, ठीक से जाने, क्योंकि बचपन से जब मैं यहाँ पर अध्ययन रखता था तो मैं बार बार ये पूछता था कि इस खेतरी का नामकरण आखिर कैसे हुआ। तो अलग अलग प्रकार से सब लोग बोलते थे, किंतु जब अध्ययन किया तो स्पष्ट हुआ तो खेतरी जो थी वो ऊपर गोपालगढ़ पे बसती थी, तो अर्थात खेतरती इति खेतरी, जो आकाश में तैरती है उसका नाम खेतरी, क्योंकि ये जो खेतरी है ये विद्वानों की भूमि रही है, संतों की भूमि रही है। जब विद्वानों की भूमि है, यहाँ का राजा भी विद्वान है, यहाँ के राजा भी सर्वश्रेष्ठ है। सामान्य रूप से राजा के लिए कहा जाता है कि राजते स्वयं राजते इति राजा, जो अपने दम और खम के आधार पर राज करता है उसको राजा कहा जाता है। किंतु महाराज अजीत सिंह जी के लिए ऐसा नहीं है। महाराज अजीत सिंह जी के लिए अलग से प्रकृति रंजना इति राजा, जो प्रकृति को प्रसन्न रखकर, अर्थात यहाँ की जनता को प्रसन्न रखकर के जो गद्दी पे आसीन हो, ऐसे हमारा राजा थे। सर्वश्रेष्ठ थे, विद्वान थे, दयालु थे, कृपालु थे, संतों के चरणों में हमेशा नतमस्तक रहते थे। उनके यहाँ कवियों की, संतों का और विद्वानों का आगमन रहता था, उनके लिए विशेष उनके सत्कार की व्यवस्था होती थी।
इसीलिए उनका नामकरण देखिए कितना उनके माता पिता ने ठाकुर सत्तू सिंह जी महाराज के यहाँ जन्म हुआ, तो निश्चित रूप से किसी योग्य विद्वान से उन्होंने पूछा ही होगा कि उनका नाम कितना सुंदर रखा, अजीत न जीता केनचित अपि सोऽयम् अजितः, जो किसी से जीता ना जा सके। अर्थात मन से और तन से और धन से, इन तीनों से जब व्यक्ति को नहीं जीत पाते उसका नाम अजित है। तो राजा अजीत सिंह जी महाराज इतने सर्वश्रेष्ठ थे, दयालु कृपालु के साथ साथ में यहाँ की जनता उनको अपना आप में सिरोधारी मानती थी, उनकी आज्ञा को सिरोधारी मानते थे, क्योंकि वो प्रत्येक जनता के लिए सप्ताह में एक बार अपना दरबार इस प्रकार खोलते थे कि कोई भी जनता का छोटा या बड़ा व्यक्ति आकर के निसंदेह अपनी बात को कहे। मंत्रिमंडल के द्वारा राय देते थे, लेकिन जनता से स्वयं मिलते थे और स्वयं मिलकर के उनके दुख और दर्द को दूर करते थे। इसलिए उनकी यश और कीर्ति और यश और कीर्ति इतनी फैल गई कि वो फैलते 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 पूरे वर्ल्ड में, मैं जिन जिन देशों में गया मैंने जाकर के देखा, बेल्जियम में अनायास किसी ने मुझसे पूछा, मैं कोई वस्तु लेने के लिए गया और जैसे ही वस्तु लेने गया जाकर के मैंने पूछा तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन भी दिया और मैंने कहा कि मैं राजस्थान खेतरी का रहने वाला हूँ। तो वहां का एक सज्जन तुरंत मुझसे पूछा है कि वहां तो एक राजा थे और विवेकानंद जी थे, कहने का तात्पर्य उनकी यश और कीर्ति इस प्रकार फैलने लगी। जर्मनी जाकर के देखा, उद्बोधन हुआ वहां वास्तु चौक पर, जैसे मैं नीचे उतरा तो लोगों ने परिचय किया कि आप कहां के रहने वाले हैं, तो वहां के कोई सज्जन हाई एजुकेटेड प्रोफेसर थे और वो आकर के रिटायर्ड प्रोफेसर थे, तो तुरंत पूछते हैं अरे वहां के राजा अजीत सिंह थे और स्वामी विवेकानंद जी। इस प्रकार उनका जनमानस में जो प्रेम के साथ साथ में जो उनकी विद्वता थी, क्योंकि राजा के लिए तो स्वयं ऐसे कहा जाता है, राजा स्वदेश पूज्य थे, राजा सिर्फ अपने ही राज्य में उसकी पूजा होती है, इसके अलावा उसकी पूजा कहीं नहीं होती, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। जब धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, किंतु हमारे राजा की पूजा तो पूरा वर्ल्ड करता था, असम को मानता था, उनका सम्मान करता था, जब वो कलकत्ता बम्बई को ही नहीं, कलकत्ता और बम्बई के अलावा जब अलग अलग देशों में, मैंने बताई दिया कि बेल्जियम हो गए, जर्मनी हो गए, इटली हो गए, इन देशों के साथ साथ में इंग्लैंड, जिसको सामान्य रूप से पुराने भाषा में बिलाइट कहा जाता है, जब वो वहां भी गए तो वहां पर भी जाकर के उनका यशोगान किया गया, अर्थात विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। तो ये स्पष्ट होता है कि वो विद्वान थे। तो शास्त्र कहता है कि विद्वान की वैल्यू सब जगह होती है, राजा अपने देश में पूज ले, सामान्य व्यक्ति अपने गांव में पूजित हो जाए, किंतु विद्वान के लिए ना देश है ना प्रदेश है उसकी पूजा। इसलिए जब विक्टोरिया जी अंग्रेजी शासन काल में, सोचने का विषय है कि अंग्रेजी शासन काल में जो अंग्रेज लोग हमारे राजाओं को लड़ाते थे, मित्रता नहीं करते थे, लड़ाते थे और लड़ा करके अपना राज संगठित रखते थे, ऐसे समय में राजा अजीत सिंह जी को विक्टोरिया की महारानी संभवतः 1871 या 1897 में वहां बुलाती है और अपनी गोल्ड डायमंड जुबली के अंदर, डायमंड जुबली के अंदर खड़े होकर के उनका स्वागत करती है और उनको फिर सम्मानित करती है, अर्थात वो विद्वान थे। इन्हीं सारे गुणों के कारण, उनकी चरित्रता की पवित्रता के कारण, जब स्वामी जी, क्योंकि वो तो देवी शक्ति से परिपूर्ण थे, और वहां से कलकत्ता से चलते चलते परिवार जक अवस्था में किस प्रकार खेतरी में उनका पदार्पण हुआ और उन्होंने राजा अजीत सिंह जी को अपने शिष्य के रूप में, पहले मित्रता के रूप में कि कहीं राजा है, क्योंकि स्वामी तो बहुत ज्यादा प्रखंड विद्वान थे और विद्वान के साथ साथ में बहुत ही सहृदय थे, तो उन्होंने मित्रता की और जब मित्रता हुई और जैसे ही स्वामी जी के विषय में उन्होंने जाना, तब जाकर के राजा का एकदम मस्तक नतमस्तक हो गया और उन्होंने कहा इतना बड़ा विद्वान मेरे यहाँ पर स्वामी चल करके आ गए, तो इनको तो मुझे अपना गुरु धारण करना चाहिए। और परिणाम जो राजा अजीत सिंह जी ने उनको अपना गुरु धारण किया और स्वामी जी ने उनको चुना, क्योंकि उनको बहुत बड़ा काम करना था और स्वामी जी ने उनके चरित्र की शुद्धता के कारण उनको चुना और चुन करके अपने शिष्य के रूप में अंगीकार किया। और अंगीकार करने के बाद यहाँ पर पहले हमारे ठाकुर का मंदिर था, वहीं पे ये बचपन में मैं सभी संतों से सुनता था कि वहीं पे आकर के स्वामी जी उनको कानून खगोल शास्त्र की शिक्षा देते थे, पदार्थ विज्ञान की शिक्षा देते थे और वहां पर प्रसन्न होकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। और इतना ही नहीं, इतना होने के पश्चात चरित्र की शुद्धता के अलावा, देखिए अब हुआ अंत में ये कि दोनों शक्तियां एक साथ मिलती हैं, एक तरफ लौकिक और एक तरफ आध्यात्मिक,
लौकिक शक्ति में राजा यहाँ पे विराजमान है और आध्यात्मिक शक्ति में स्वामी जी स्वयं आते हैं। जब दोनों का मिलन होता है तो यहाँ पर साधु के लिए कहा जाता है, संत के लिए कहा जाता है सात्यति परिकार्याणी तो अयम साधु, जो दूसरे के कार्य को अपने तपोबल के द्वारा, अपनी बुद्धिमानी के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा दूसरे के कार्य को सिद्ध कर दे उसका नाम साधु है। सन्यासी समपदसन्यास अर्थात हर दृष्टि से उसने सब कुछ छोड़ दिया और मात्र प्रभु का भजन करते हुए और दूसरे के कार्य को सिद्ध कर दे, ऐसे वो संत थे। और उन्हीं के रूप में यहाँ पर विराजमान सभी संत हैं जिन्होंने अपने घर बार को छोड़ करके और स्वामी जी के पद चिन्हों में चलते हुए दूसरे के कार्य को सिद्ध करते हुए और परम पिता परमात्मा का भजन करते हैं। इसलिए हम पुनः पुनः बार बार धन्य होते हैं कि जिस प्रकार स्वामी जी पधार करके और अपने शिष्य का साथ लेकर के पूरे वर्ल्ड में जाकर के और विश्व धर्म सभा में सनातन धर्म का, भारतीय संस्कृति का ध्वज पुनः ले रहा है, तब स्वामी जी ने स्वयं कहा, स्वामी जी ने स्वयं अपने आप ये कहा कि अगर मुझे खेतरी के राजा जी अगर नहीं मिलते तो मैं जो इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस वर्ल्ड के लिए जो कुछ कर पाया वो नहीं कर पाता। अर्थात उनकी यश और कीर्ति इस प्रकार फैलने लगी कि पूरे वर्ल्ड में जहां जहां स्वामी जी का नाम लिया जाता है वहां वहां मेरी जन्मभूमि और महाराज अजीत सिंह जी का नाम लिया जाता है। ये उनका यशोगान है। आप कभी भी जाकर के निसंदेह अगर कह देंगे कि मैं खेतरी का रहने वाला हूं तो वहां की बुद्धि की भी आपको निसंदेह और नम्र आंखों से देख करके आपका सम्मान करेंगे। निसंदेह कोई कोई श्रेष्ठ व्यक्ति यहाँ आया है, किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। और इतना जब लौकिक और आध्यात्मिक दोनों का जब मिलन होता है और जब मिलन होकर के अर्थात पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि दो शरीर एक आत्मा और दोनों आत्माएं जब एक होकर के कार्य करने लगी तो यशोगान खेतरी का भरने लगा, भारतीय संस्कृति का भरने लगा। जोधपुर के अंदर जब मैं गया और वहां की लाइब्रेरी आप जब देखेंगे और वहां की लाइब्रेरी जब देखेंगे तो उसके अंदर जोधपुर की राज्यसभाओं में, कलकत्ता की राज्यसभाओं में कवियों ने खेतरी का यशोगान किया है, राजा अजीत सिंह जी का यशोगान किया है। संभवतः वो उनकी विद्वता को देखकर, उनकी दूरदर्शिता को देख करके, जनता के प्रति प्रेम को देख करके वहां के कवि ने, और वहां के जो कवि थे उनका नाम था महोपाध्याय, क्योंकि सरकार से उनको प्रतिष्ठा प्राप्त थी और महोपाध्याय जी ने स्वयं वहां पर कविराज मुरारी दान आशिया उनका नाम था और उन्होंने क्या कहा उस समय, उनकी स्तुति की है। ये प्रकाशित नहीं है लेकिन आप ठीक से देखेंगे, जब रिसर्च करता था तो उस समय बहुत सारे ग्रंथ उलट पुलट कर नहीं होते हैं तो कहीं कहीं ये सब सामने आता, तो उस समय वहां के कवियों ने भरी सभा में क्या कहा, दान छड़ी कीरत धरी धेत पड़ी सोहा भात चढ़ी अंग ना भरी नमो खेतरी नाथ। उनकी स्तुति गाइए नमो खेतरी नाथ। अर्थात ठीक से देखें, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाकर के देखेंगे जितने भी राजभवन है जहां पर लोकतंत्र आ गया, प्रजातंत्र आ गया और राजतंत्र चला गया, वो महल क्या तो होटल में परिवर्तित हो गए या अन्य कार्यों में परिवर्तित हो गए, लेकिन ये हमारे राजा का अहोभाग्य है और हमारी खेतरी का अहोभाग्य है कि उन्होंने भूमि दान दी अपने गुरु को और उस गुरु के महल के अंदर, और आज भी संत लोग आकर के यहाँ पर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और साधना के द्वारा इस खेतरी का कल्याण होता है, आने वाले लोगों का कल्याण होता है। तो ये हमारा अहोभाग्य है। किस कारण? राजा अजीत सिंह जी के कारण। ये उनकी कृत्य का यशोगान है। और इतना ही नहीं, ठीक से देखिए कि जब कोई भूमि दान करता है, हमारे राजा ने तो बहुत जगह भूमि दान दी, संस्कृत महाविद्यालय के लिए दी, जो संस्कृत पाठशाला है मंदिरों के लिए भूमि दान दी, गौशाला के लिए भूमि दान दिया। और इतना ही नहीं, जिन गरीब लोगों ने बाग और बगीचे खोलने की इच्छा जाहिर की उनके लिए भी, बाग बगीचों के लिए भी उन्हें भूमि दान दिया। और शास्त्र कहता है, धर्म शास्त्र कहता है, षडांश लाभम जायते, अगर कोई भूमि दान करता है तो निसंदेह उसको छठा अंश तो जरूर प्राप्त होता है। तो आज जब ये भूमि दान दी और उस भूमि के बाद में वहां संत लोग तपस्या करें तो आप खुद सोचिए हमारे राजा का यशोगान कैसे नहीं होगा, क्योंकि उनको तो सिद्धांत मिल ही रहा है, तपस्या का भी मिल रहा है और भूमि का भी मिल रहा है। तो ऐसे हमारे राजा थे। इतना होने के पश्चात, इतना ही नहीं उसके पश्चात भी, और जाकर के बाहर जाकर के उन्होंने जब ये कहा
एक जगह उनके प्रवचन में ये आता बॉम्बे या कलकत्ता में, तो वहां पर रघुवंश महाकाव्य का एक छोटी सी सुक्ति है, प्रजाई मेदिना, कि मेरा जन्म मेरे वंश के राजाओं का जन्म और मात्र मात्र भोग और विलास के लिए नहीं हुआ, जनता की सेवा के लिए हुआ है। भोग विलास ऐसा उन्होंने रघुवंश महाकाव्य की उक्ति को अपने मुख से बोला, प्रजाई मेदिना, मेरा जन्म तो इसलिए नहीं हुआ, मैं जनता की सेवा के लिए हुआ। इतना ही नहीं, और इतना होने के बाद जब स्वामी विवेकानंद जी उनसे मिलते हैं, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए क्योंकि संक्षिप्तकरण करना पड़ेगा, और जब स्वामी जी उनसे मिलते हैं और इधर से दोनों की जब प्रगाढ़ता होने के बाद स्वामी जी यहाँ उनको चुनते हैं और सेवा का मौका देते हैं कि मैं धर्म सभा में जा रहा हूँ तो क्यों ना श्रेष्ठ शिष्य से ही उस धन को लेकर के जाया जाए, ताकि उस धन का भी कल्याण हो, राजा का भी कल्याण हो, और मैं भली प्रकार जाकर के और वहां पर सनातन धर्म का ध्वजारोहण करूं। तो ऐसे समय में जब वो धर्म सभा में जाते हैं और धर्म सभा में जाते हैं और जाने के बाद में जहां जहां स्वामी जी का नाम लिया जाता था कि कहां से आए और कैसे भेजा, वहां वहां हमारे राजा अजीत सिंह जी का नामकरण किया जाता था, अर्थात उनका नाम लिया जाता था। तो इस प्रकार हमारे राजा, इतना ही नहीं, इसके अलावा एक छोटा सा विषय बीच में रह गया कि उनको विद्वानों के प्रति प्रेम था और ज्योतिष के प्रति विशेष प्रेम था। तो यहाँ पर एक पंडित रूढ़मल जी शर्मा थे, उनको उन्होंने ज्योतिष पंचांग बनाने के लिए प्रेरित किया। संभवत है हमारे क्षेत्र के निवासियों को निश्चित रूप से मालूम होगा, रूढ़मल शर्मा जी को ज्योतिष पंचांग बनाने के लिए कि विद्वान जो लोग हैं उन विद्वानों का सम्मान करना मेरा धर्म है, क्यों नहीं खेतरी के अंदर और पंचांग व्यवस्था हो। जो नवलगढ़ से पंचांग निकलता है वो खेतरी से निकलता है, उसका नाम था अजित प्रकाश पंचांग, उन्होंने प्रेरित करके निकाला। उसके बाद में हो सकता है किसी कारण से वो उसमें अवरोध उत्पन्न हुआ, लेकिन इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र से प्रेम, गौओं के प्रेम, गुरुजनों के प्रति प्रेम, संतों के प्रेम प्रति प्रेम और जन सामान्य के प्रति प्रेम, इस प्रकार वो रहते थे, येषां न जायते कीर्ति। तो इस प्रकार ऐसे व्यक्ति थे, कीर्ति जो है न बुद्धि होगी न मरने का भय, क्योंकि यश रूपी शरीर में वो निसंदेह चीर काल तक उनकी यशोगान किया जाएगा, और चीर स्थायी उनकी कीर्ति के लिए जैसे गोपालगढ़ है, जैसे हवा महल है, और इसी प्रकार से जो कल म्यूजियम को ओपनिंग होने जा रहा है वो भी उनकी चीर स्थायी यशोगान करता रहेगा। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी संतों के चरणों में पुनः पुनः मैं प्रणाम करता हूँ। इति श्रुतौ। धन्यवाद। डॉक्टर भंवरलाल शास्त्री जी ने अपने संक्षिप्त और सारगर्भित भाषण में राजा अजीत सिंह जी के विशाल चरित्र को बांधने का सुंदर प्रयास किया। हम विशेष रूप से उनके आभारी हैं।